प्रेगनेंसी के आज चौथे पांचवें महीने से हम बाहर जा सकते हैं। ये होता है कि बाहर मत जाओ, नहीं दिक्कत होने की, हादसा होते देरी नहीं लगती है, हल्का फुल्का वॉक की हमें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के अभी बज रहे 8:30 और मैं नहा ली हूँ क्योंकि आज है संडे, तो संडे को थोड़ा सा नाश्ता वगैरह जो है नहा धो के सारा काम करके फिर सोचा आज करती हूँ। और लड्डू का तो छुट्टी है ही, तो नहाया, फिर यहाँ पे माता रानी का मैंने पूजा किया। पूजा करके फिर अभी चलूँगी सीधा किचन में क्योंकि सुबह सुबह तो मेरी सारी ड्यूटी किचन में ही लगी रहती है। संडे हो या मंडे, हर एक दिन काम तो उतना ही रहता है, बस ये थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने चना का दाल जो है उबाल के रख के यहाँ पे मैं गई हुई थी, तो थोड़ा सा अलग से निकाला था, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें नमक, जीरा, मिर्चा सब कुछ डाल के उसको छौंक लगा के उबाला जाता है, तो टेस्टी सा लगता है। तो यहाँ पे मैं और लड्डू दोनों लोग अपना नाश्ता करने जा रहे हैं। हस्बैंड बाहर चले गए थे, उनको कुछ सेविंग वगैरह कराना था और मार्केट में भी थोड़ा ड्यूटी का ही काम था, वो निकल गए थे सुबह ही, बोले कि अभी 2 घंटे बाद मैं आऊँगा, तब तक अपना सारा काम सेट कर लो। वो सिर्फ चाय गर्म पानी ही पी के निकल गए हैं सुबह सुबह ही। फिर मैं 2-3 दिनों से आंवले का मुरब्बे का तैयारी कर रही हूँ, तो वही आंवला मेरा जो है स्टीम थोड़ा सा किया था, उसको छत पे लाना था सूखने के लिए, डाल दूंगी, सारा दिन सूखेगा, 2 दिन तक सुखाना पड़ता है। और नाश्ता भी हमारा हुआ था, तो सोचा चलो बाल धुल के नहाई थी, थोड़ा धूप भी बॉडी में लग जाएगा, बाल भी जल्दी से सूख जाएगा, फिर नीचे आके अपना नाश्ता का जो और भी खाना नाश्ता की तैयारी करना है वो करते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी दाल वाली पूड़ी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी जब मेरा मन कह देता है तो मैं रात में ही चना दाल भिगो देती हूँ, सुबह उसे पीस के, उबाल की पीस के फिर उसको अच्छे से पूड़ियाँ बनाती हूँ, और पूरे दिन में एक एक करके मैं 3-4 खा लेती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। रात के टाइम इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि रात को 1-2 खाओ सुबह के टाइम वो बासी हो जाता है, और दिन में रहता है कि बना के बारी बारी से एक एक जब भी हल्की भूख लगे तो खा लूँ। तो उस पूड़ी के साथ मुझे सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मेरे हस्बैंड को कोई भी पूड़ी रहे पर उनको सब्जी चाहिए होता है। तो आज फ्रिज में बैंगन और कुंदरू के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, सारा सब्जियाँ जो है ख़त्म हो गया। एक बार लाते हैं तो 3 से 4 दिन चलता है, पर अभी थोड़ा बहुत यही सब बचा था, तो मैंने सोचा चलो आलू और कुंडू का ही सेट करके हल्का सा मसाला डाल के कुकर में बना देंगे। वैसे भी नए आलू का सीज़न चल रहा है तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, अगर सिर्फ आलू ही टमाटर के साथ बना दिया जाए वही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आलू, टमाटर और कुंडू सब कुछ डाल के, धनिया पत्ती, लहसुन पत्ती सब डाल के कुकर में ही ऐसे मसाला डाल के बना दूँगी, बहुत ही टेस्टी कुकर वाली सब्जी लगती है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग का क्वेश्चन था कि आप प्रेगनेंसी के आज चौथे पांचवें महीने से हम बाहर जा सकते हैं। हाँ, बाहर बिल्कुल जा सकते हैं, जैसे 2 से 3 महीने तक ये होता है कि बाहर मत जाओ, नहीं तो ज़्यादातर कुछ दिक्कत होने की प्रॉब्लम होती है, मिसकैरेज वगैरह, या फिर कहीं पैर मुड़ जाए, गिर जाए, या फिर कुछ भी मतलब हो जाए, हादसा होते देरी नहीं लगती है, जब समय ख़राब होता है तो चल के आ जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा 3 महीने तक सतर्क होकर रहने में ही प्रेगनेंट वुमेन जो होती है उनकी भलाई रहती है, लेकिन चौथे पाँचवें महीने से वो हल्का फुल्का अपना कभी हर मार्केट जा सकती है, क्योंकि पूरे 9 महीने घर में कैद होके भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इतना कैद होना भी नहीं सही है, हल्का फुल्का वॉक की हमें ज़रूरत है। तो सुबह शाम छत पे जा सकते हैं, नीचे भी थोड़ा बहुत, अगर उनके गली मोहल्ले में ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती जाती हैं तो अपना घूम टहल सकती हैं, या फिर अगर उनका छोटा मोटा मार्केट का भी काम है तो किसी को अपने साथ में लेके, बाइक गाड़ी हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई अगर साथ में पैदल चलने वाला मिल जाए तो उतना तो थोड़ा बहुत जा ही सकते हैं। जैसे कि मैं नहीं ज़्यादा कहीं जाती हूँ तो इसलिए लोग हैं कि नहीं ही जाना होगा, हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। तो भी मुझे ज़रूरत की सामान वगैरह कुछ भी रहता है हस्बैंड से कहे तो वही ले आते हैं, और वो मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, तो मुझे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मुझे जब कभी कभी मार्केट वगैरह, कपड़े वगैरह, किसी भी चीज़ का अगर मार्केट से ज़रूरत पड़ता है तो वो मुझे ले जाते हैं सेफ तरीके से, फिर 1-2 घंटे के अंदर ही मेरा काम पूरा करा के ला के वापस भी कर सकते हैं। तो आज भी मैं मार्केट जाने वाली हूँ, इधर मेरे बेटे का बर्थडे नज़दीक आ रहा है, तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा मैं कम से कम 6 महीना हो गया आईब्रो नहीं करवाई हूँ, फिर इधर जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ेगा, पेट निकलेगा, तो वैसे भी ठंडक भी बढ़ी रहेगी और शीतलहर वाला शुरू हो जाएगा, तो बाहर और निकल नहीं पाऊंगी, सर्दी खांसी तुरंत पकड़ लेता बाहर निकलने से। तो मैंने सोचा मैं थ्रेडिंग करवा लेती हूँ, फिर इधर अगर 4 से 5 महीना नहीं कराऊंगी कोई बात नहीं, उतना मेरा चल जाता है एक बार अगर करवा लेती हूँ। तो इसलिए मैं आज खुद बाहर जाने वाली हूँ, हस्बैंड का कॉल आया था कि अभी वो खाने पे आएंगे तो खाना खाएंगे और वो निकल जाएंगे। तो अभी हस्बैंड मेरे कीवी लेके आए हुए थे, कट करके खाई हूँ, फिर हस्बैंड ने खाना खाया और फिर हम लोग अभी मार्केट जा रहे हैं। तो मार्केट में जाएंगे, थोड़ा सा आईब्रो वगैरह कराएंगे और
घर पे थोड़ा बहुत जो सामान होता है तो हस्बैंड ही अक्सर लेके आते हैं, पर उन्हें बोला चलो थोड़ा सा तुम्हें घुमा टहला देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बाहर निकलना है एकदम से अभी मुझे कम करना पड़ रहा। मेरा अकेले निकलने का मन ही नहीं करता और मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले ही रहती हूँ, इसलिए मैं अकेले कहीं निकलती नहीं, उनके पास उतना टाइम रहता नहीं मुझे लेके निकले। तो इनका है बर्थडे तो इसलिए इनके लिए कुछ कपड़े वगैरह देखना था, तो एक दो मॉल में हम लोग गए घूमने टहलने। फिर अभी तो कुछ पसंद नहीं आया था, हस्बैंड ने बोला कि ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, बहुत यहाँ सब टाइल्स वगैरह फिसलन और बहुत मार्केट में होके एक मॉल से दूसरे मॉल जाना रहता है। तो उन्होंने बोला नहीं तुम चलो नहीं, अगर समझ में आ रहा तो ज़्यादा चलो मत, तो आईब्रो ही अपना करवा लो। तो मैं यहाँ पार्लर में अपना आईब्रो करवा ली फटाफट, आईब्रो ही सिर्फ करवाना था, बाकी तो फेस पे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, आईब्रो करवा ली। और आज मेरा सर का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, वैसे भी सर में शुरू 3 मंथ बहुत दर्द होगी, वोमिटिंग की समस्या मुझे थी, पर जब से 4th-5th महीना लगा मुझे वो सब दिक्कत नहीं है। फिर आईब्रो कराने के बाद यहाँ पे छोटा सा राशन का मॉल था, तो हस्बैंड बोले चलो और इस मंथ तुम्हें जो समझ में आए जो मन करे वो बताओ मैं ले लेता हूँ। तो इस बार मैंने इनसे चाउमीन का सारा आइटम रखवाया, मतलब सब खाने पीने वाला ही यहाँ से लिए, बाकी राशन वगैरह तो राशन की दुकान से ही आ जाता है। पर बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ हर 1-2 घंटे पे खाना रहता है, तो हर बार सिर्फ खाना 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 नहीं अच्छा लगता है। फ्रूट भी सर्दियाँ चल रही, उतना सच बताऊँ तो मैं नहीं खाना पसंद करती हूँ, सोचती हूँ सर्दी हो जाएगा, हो भी जाता है मुझे, इसलिए अलग अलग कई फ्लेवर के बिस्किट लिए, नमकीन लिए, ड्राई फ्रूट कुछ मिक्स वाला लिए जो सीड्स के साथ आते हैं, बीज के साथ आते हैं, उसमें आंवला कैंडी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत टेस्टी लगता है। कुछ ड्राई फ्रूट और लिए, कुछ टोस्ट ब्रेड और चाउमीन का जितना सामान है उसका सॉस वगैरह सब कुछ लिए, और किशमिश, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा लिए जो कि मुझे अगर कुछ खाने का मन करे 1-2 घंटे पे तो मैं थोड़ा बहुत खा के अपना पानी जो पीना हो पी सकूं, क्योंकि इन्हीं सब वजह से जब भूख मुझे लगती है तो खाना खाने मन नहीं करता, फ्रूट खाने मन है, तो एक आध बार ऐसा होता है 3-3-4 घंटे से पानी पी के रह जाती हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, सही है करना, तो तुम अपने हिसाब से लो। तो मुझे जो भी समझ में आया मैं उनके साथ गई आज और लेके आई हूँ। कुछ किचन का भी सामान है जो कि वहीं पर मुझे समझ में आया, ले लिया, लिवॉन लिया, वी वॉश लिया। वी वॉश तो जब से मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ था तभी से डॉक्टर मुझे लिखे थे, तो मैं 6-7 सालों से वी वॉश तब से मैं मेरे घर पर आते ही यूज करती हूँ। वी वॉश सबसे ज़्यादा सही होता है, यूरिन इन्फेक्शन नहीं होने देता, यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करता है क्योंकि बैक्टीरिया को जड़ से वो मिटाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है वी वॉश, सबको यूज करना चाहिए। फिर हस्बैंड मुझे घर पे छोड़ के फिर से अपने ड्यूटी पे चले गए, तो मैं यहाँ पे जो भी सामान था सब कुछ सेट कर रहे थे। इस बार मैं चीज़ भी लाई थी, ब्रेड लाई थी कि जो भी मन करेगा हल्का फुल्का अपना बना के खाऊंगी। तो देखिए जब ज़रूरत पड़ा तो बाहर जाएंगे ही, बस ये है कि खुद की सावधानी से खुद को और बेबी को सेफ तरीके से मार्केट वगैरह बाहर लेके जाइए, फिर अच्छे से आराम से आइए, फिर थोड़ा बहुत अपना काम देखिए और आराम करिए। तो मैं यहाँ पे सारा चीज़ सेट कर रही थी, मैंने सोचा सेट कर लेती हूँ, फिर अभी मैं 1 घंटा लेटूंगी क्योंकि काफ़ी देर से खड़े खड़े हूँ तो थोड़ा सा लेटना भी ज़रूरी है। पर मैंने सारा सामान जो भी लाई थी स्टोर कर दिया है, और ब्रेड वाला केक था उसे कट करके लड्डू को दिया, थोड़ा सा मैं भी खा रही हूँ, तो अभी मैं चल रही हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी। इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा।